हेलो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो बाथरूम की वॉल टाइल व फर्श टाइल के बारे में बनाया गया है। आपको बता देते हैं कि आपको वॉल में कौन सी टाइल लगानी है और फर्श में कौन सी टाइल लगानी है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देंगे। वीडियो में आखिर तक बने रहे तभी आपको समझ आएगा। तो बता देते दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको जब भी आप नल का जो हॉल है वो निकालते हो तो आपको किस चीज़ से निकालना है। ब्लेड से पीछे से घस के नहीं निकालना है, आपको बिट आता है कोर बिट, यानी कि इस वीडियो में बताऊंगा कि ये कौन सा बिट है। आपको बता देता हूँ कि इस बिट से आपको हॉल निकालना ताकि आपकी जो टाइल है वो ख़राब ना हो और आपकी जो टाइल है वो सेफ हॉल निकल जाए। तो इसके लिए हमने जो एक इंची का कोर बिट है उसकी सहायता से हमने जो हॉल है वो नल का हॉल है निकाला है। तो ये देखिए, ये बिट है हमारा कोर बिट एक इंची का। तो इस बिट से आपको क्या करना है, टाइल में होल निकालना है ताकि आपकी टाइल है वो साइड में ख़राब ना हो, फिक्स माप के हिसाब से आपका फिक्स होल निकल जाए और नल है वो उसके बाद में इसके अंदर सेट हो जाएगा। तो ये मार्केट में आपको 120 रुपये या 150 रुपये में शायद मिल जाएगा। हमने तो मार्केट में 150 रुपये में लिया था, लेकिन इसका 10 या 20 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसके हिसाब से आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो इसकी सहायता से हमारी जो एक तो समय बचता है और एक हमारी जो टाइल है वो सेफ हो जाती है। तो हम बात कर लेते हैं कि आपको वॉल टाइल में कौन सा केमिकल या सीमेंट यूज़ करना है। तो आप हमारी जो बता देते हैं कि 1.5 फुट बाई 1.5 फुट की जो टाइल है इसमें हमने केमिकल व सीमेंट को मिक्स करके लगवाया है ताकि हमारी जो टाइल है दीवार की तो उसके अंदर पानी या सीलन की समस्या ना हो। इसके लिए हमने सीमेंट या केमिकल दोनों को मिक्स करके लगवाया है। तो आपको बता देते हैं कि फर्श में कौन सी टाइल लगानी है। फर्श में आपको क्या करना है, 1.5 फुट की जो, अगर आपकी जो वॉल टाइल के मैचिंग में आपको फर्श की टाइल दे रहे हैं तो उसको 1.5 फुट की टाइल मिलती है। अगर आप अन्यथा दूसरी या टाइल लगाना चाहते हो तो आपको 16x16 की टाइल लगवा सकते हो। और हमारा जो ये रेवल है इसकी सहायता से हमारा जो ऊपर डोर लगाने की वजह से हमारा जो रेवल है और फट्टी या डोर में हमारी जो टाइल है वो भी सेट हो चुकी है। और आपको क्या करना है, ऊपर एक डोर की सहायता से आपको सीमेंट या केमिकल के जो हम लगाते हैं उसके हिसाब से लगाना है ताकि आपकी जो टाइल है ऊपर से बाहर या अंदर न जाए। आपकी जो टाइल इस वीडियो में दिख रहा है आपको ऊपर डोर लगी हुई है। फर्श में क्या करना है आपको, अगर 7x6 का बाथरूम है, हमारा जो बाथरूम है 7x6 का, इसके हिसाब से ढलान कितनी देनी है। तो आपको क्या करना है, 1/4 इंच इधर से कोने में देना है और 1/4 इंच इधर से कोने में देना है। अगर 1/2 इंच देना चाहते हो तो 1/2 इंच दे सकते हो, लेकिन 1/4 इंच देना है क्योंकि बाथरूम की जगह है, इसमें पानी या ठहराव का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने 1/4 इंची ढाल दी है। 1.5 इंची हमारा जो 7x6 के बाथरूम है उसमें ढलान दी है। और ऊपर का जो कोना है आपको चेक कर लेना है, अगर ऊपर नीचे हो तो उसके हिसाब से आपको टाइल का रेवल नीचे से निकालना है। हमने जो ऊपर का रेवल निकाला था वो 1 इंची ऊपर ये कोना था, इसलिए हमने पूरा निकाला था।